वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैंडी गेमर्स। आज मैं आपको दुनिया के पांच फ्री फायर स्पोर्ट्स गेमर्स के बारे में बताऊंगा जो कि मैंने अपने ओपिनियन पर बनाई है, जिनके गेम प्ले स्ट्रेटजीज, अचीवमेंट्स और टीम वर्क को देखने के बाद आपका रिएक्शन कुछ इस तरह का होगा। चचा गजब, चचा कमाल कर दिया चचा आपने की। और दोस्तों, आज के लिस्ट में मैंने जिन प्लेयर्स को ऐड किया है उन्होंने अपनी टीम को बहुत सारे टूर्नामेंट जितवाए हैं और फ्री फायर के ई स्पोर्ट्स की दुनिया में इन प्लेयर्स की एक अलग ही पहचान बन गई है। और आज की लिस्ट में जितने भी 10 प्लेयर्स हैं वो सभी अपने आप में एक बेस्ट और लेजेंड ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं। और इन प्लेयर्स की नंबरिंग मैंने इस अकॉर्डिंग की है कि किसने ज्यादा टूर्नामेंट्स खेले हैं, किसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, किसने ज्यादा टूर्नामेंट्स जितवाए हैं, किसने ज्यादा अवार्ड्स जीते हैं। और दोस्तों, आगे मैं आपको वर्ल्ड के बेस्ट फ्री फायर ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स की अर्निंग, उन्होंने कौन कौन से टूर्नामेंट्स जितवाए हैं, उन्होंने कौन कौन से अचीवमेंट्स पाए हैं ई स्पोर्ट्स की तरफ से, ये सब बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, इस वीडियो का लाइक एम है 30K लाइक, सो होप आप लोग लाइक एम कंप्लीट जरूर करवा देंगे। तो चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पर दुनिया के स्पोर्ट्स प्लेयर क्रोनो जाते हैं और ये ब्राजील कंट्री के रहने वाले हैं और इनका रियल नेम है एरियानो फेरेरा सोर्स और इनकी एज है अभी लगभग 21 ईयर्स और ये ब्राजील के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ई स्पोर्ट्स टीम लाउड की तरफ से खेलते हैं। और इनके अंदर एक बहुत ही यूनिक सी स्पेशलिटी ये है कि जब ये फाइट लेते हैं तो ये अपने अपोनेंट स्क्वाड के बंदों की लोकेशन बहुत जल्दी पता कर लेते हैं और अपने स्क्वाड को बताते हैं कि कौन सा बंदा कहाँ है। और इन्होंने अपनी टीम को बहुत सारे टूर्नामेंट जितवाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है और इनकी टीम हाल ही में हुए फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज टूर्नामेंट में सेकंड पोजीशन पे आई थी और अपनी टीम को सेकंड पोजीशन तक लाने के लिए हमारे क्रोनोस भाई ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था और फ्री फायर वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में इन्होंने MVP का अवार्ड भी जीता था। और फाइनली बात करें इनकी ई स्पोर्ट्स अर्निंग की, तो अब तक ये ई स्पोर्ट्स से लगभग $57,000 यानी लगभग 43 लाख रुपीज कमा चुके हैं। और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है लाउड क्रोनो नाम से, जिसपे अभी लगभग 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और ये डेली अपने चैनल पर फ्री फायर गेम पर रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। नंबर 4 पर दुनिया के ई-स्पोर्ट्स प्लेयर TE Killer FF आते हैं और ये हमारी कंट्री इंडिया के रहने वाले हैं और इनका रियल नेम है आदित्य सिंह सिकरवर और अभी इनकी एज है ओनली 17 ईयर्स और ये इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ई स्पोर्ट्स टीम एलिट की तरफ से खेलते हैं और अपनी टीम की ये बहुत खतरनाक रशर प्लेयर है और यही अपनी टीम के लिए हमेशा रश करते हैं। और ई स्पोर्ट की दुनिया में इन्हें वर्ल्ड के सबसे बेस्ट वन टैप हेडशॉट ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स में से एक माना जाता है और इन्हें SVD, SKS, उड़पीकर और शॉट गन से वन टैप मारने वाला ई स्पोर्ट किंग भी कहा जाता है और अभी ये एक उभरते हुए ई स्पोर्ट प्लेयर है इंडिया के और फ्यूचर में ये इंडिया को बहुत बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और ये काफी सारे टूर्नामेंट अपनी टीम के लिए खेल चुके हैं लाइक बोया स्टीमर रॉयल टूर्नामेंट, फ्री फायर ट्राई सीरीज टूर्नामेंट, फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप टूर्नामेंट। इन सभी टूर्नामेंट्स में इन्होंने बहुत अच्छा गेम प्ले किया था। और फाइनली बात करें इनके ई स्पोर्ट्स अर्निंग की, तो अभी तक इन्होंने ई स्पोर्ट्स से लगभग $9,000 यानी लगभग 7 लाख रुपए कमाया है और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है किलर FF नाम से, जिसपे अभी लगभग 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और ये डेली अपने चैनल पर अपने गेम प्ले रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। नंबर 3 पर दुनिया के ई स्पोर्ट्स प्लेयर TE पहाड़ी आते हैं और ये हमारे कंट्री इंडिया से ही बिलोंग करते हैं और आप में से काफी लोग इन्हें जानते भी होंगे और इनका रियल नेम है लोकेश कराकोती और अभी इनकी एज है 18 ईयर्स और ये टीम इलिट की तरफ से खेलते हैं ई स्पोर्ट्स और ये पूरे वर्ल्ड के सबसे डेंजरस डबल स्नाइपर ई स्पोर्ट्स प्लेयर हैं और ये कितना ओपी डबल स्नाइपर चलाते हैं ये तो आप लोगों को पता ही है और ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन डबल स्नाइपर चलाते हैं और जैसा कि बैकग्राउंड में आप इनका गेम प्ले देख ही सकते हो डबल स्नाइपर का कि ये कितना फास्ट एक्सचेंज कर रहे हैं, कितना परफेक्ट शॉट्स मार रहे हैं और ये डबल स्नाइपर कितना ओपी चलाते हैं इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि हमारे पहाड़ी भाई को ऑफिशियली गरीना की तरफ से 2020 का स्नाइपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है जो कि एक इंडियन के लिए बहुत ही गर्व की बात है और आने वाले फ्यूचर में ये बहुत बेहतरीन फ्री फायर ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनने वाले हैं और इंडिया को एक बहुत बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं और इनका गेम प्ले टूर्नामेंट में तो और भी अलग लेवल का हो जाता है और भी ओपी लेवल का हो जाता है और बड़े बड़े टूर्नामेंट में तो ये और ही खतरनाक डबल स्नाइपर चलाते हैं और अपने अपोनेंट स्क्वाड को अकेले ही सुपड़ा साफ करके रख देते हैं और ये डबल स्नाइपर कुछ अलग ही लेवल का चलाते हैं और फ्री फायर ट्राई सीरीज, बोया स्ट्रीमर रॉयल, फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप, इन टूर्नामेंट्स में इन्होंने अपनी टीम को सेकंड पोजीशन गेन करवाया और इन तीनों ही टूर्नामेंट्स में इन्होंने MVP का अवार्ड भी जीता था। और बात करें इनके ई स्पोर्ट्स अर्निंग की, तो ये ई स्पोर्ट्स से लगभग अभी तक
$11,000 यानी 8.5 लाख रुपए अर्न कर चुके हैं। और इनके दो यूट्यूब चैनल भी है, पहाड़ी गेमिंग और पहाड़ी गेमर नाम से। और इनके दोनों ही चैनल पे 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। और अपने दोनों ही चैनल पर ये फ्री फायर गेम प्ले रिलेटेड अपने गेम प्ले रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। नंबर 2 पर दुनिया के ई-स्पोर्ट्स प्लेयर नोब्रू आते हैं। और आप में से काफी लोग हमारे नोब्रू भाई को तो जानते ही होंगे, क्योंकि हमारे नोब्रू भाई हमारे इंडियन सर्वर में एक बहुत ही पॉपुलर प्लेयर है। और ये ब्राजील कंट्री के रहने वाले हैं और इनका रियल नेम है ब्रूनो गोस। और ये इनकी अभी एज है 20 इयर्स। और ये अपनी खुद की टीम जिसके फाउंडर और कैप्टन दोनों ही नोब्रू ही है, और इनके टीम का नाम है फ्लक्सो, और इसी टीम से ये अभी ई-स्पोर्ट्स खेलते हैं। और दोस्तों नोब्रू को वर्ल्ड के बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ खेलने वाले प्लेयर्स में से एक माना जाता है, क्योंकि नोब्रू बहुत ओपी खेलने के साथ साथ बहुत फुल माइंडेड स्ट्रेटेजी के साथ खेलते हैं। और इनके इसी स्पेशलिटी की वजह से इनकी टीम मैक्सिमम टाइम्स जीतती है। अपने इसी यूनिक स्ट्रेटेजी से इन्होंने 2019 का फ्री फायर वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट अपनी टीम को जितवाया था, जब ये कोरिंथियन नाम की टीम से खेल रहे थे, और उस टूर्नामेंट के नोब्रू MVP भी रहे थे। और ये बहुत अच्छे प्लेयर के साथ साथ अपनी टीम के कैप्टन भी हैं। और इनकी कैप्टनशिप में इनकी टीम फ्री फायर प्रो लीग ब्राजील, फ्री फायर लीगा ब्राजीलिया टूर्नामेंट जीत चुकी है। और इन्हें 2019 के ब्राजील के बेस्ट ई स्पोर्ट्स प्लेयर होने का अवार्ड भी मिल चुका है। और बात करें इनके ई स्पोर्ट्स अर्निंग की, तो इन्होंने ई स्पोर्ट्स से टोटल $87,000 यानी लगभग 64 लाख रुपीस अर्न किया है। और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है नोब्रू नाम से, जिसपे लगभग 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। और इनके चैनल पे आप जाके इनके गेम प्ले के वीडियोस देख सकते हैं। नंबर 1 पर दुनिया के सबसे बेस्ट ई-स्पोर्ट्स प्लेयर डाक्रूज का नाम आता है। और ये थाईलैंड कंट्री के रहने वाले हैं, और इनका रियल नेम है पियापोन बुनचुआय, और अभी इनकी एज है 19 इयर्स। और ये इवोस ई-स्पोर्ट्स थाईलैंड नाम की ई-स्पोर्ट टीम के तरफ से खेलते हैं। और डाक्रूज पूरे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फ्री फायर ई स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, क्योंकि ये पूरे फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी के साथ खेलते हैं। और ये अपनी टीम के लिए हमेशा रश करते हैं, ये अपनी टीम के रशर हैं। और जैसा कि बैकग्राउंड में आप इनका ओपी लेवल का गेम प्ले देख ही सकते हो कि ये कितने फास्ट मूवमेंट के साथ खेलते हैं और कितने एक्यूरेट हेडशॉट्स मारते हैं। और जो हाल ही में हमारे फ्री फायर का वर्ल्ड सीरीज टूर्नामेंट हुआ था सिंगापुर में, उस टूर्नामेंट को इन्हीं की टीम फिनिक्स फोर्स ने जीता था। और आप लोग बोल रहे हो कि इनके टीम का नाम तो इवोस ईस्पोर्ट्स थाईलैंड है, तो फिर ये फिनिक्स फोर्स से कैसे खेले? तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इनके टीम का जो नाम है वो चेंज किया गया था FFWS में। और फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज टूर्नामेंट में डाक्रूज ने सबसे ज्यादा हेडशॉट्स मारे थे, और सबसे ज्यादा किल भी इन्होंने ही निकाले थे। इन्होंने टोटल 23 किल्स निकाले थे, जिनके वजह से इस टूर्नामेंट के ये MVP भी चुने गए थे। और इन्होंने अपनी टीम को बहुत सारे टूर्नामेंट जितवाए हैं, लाइक फ्री फायर एशिया ऑल स्टार्स, फ्री फायर अल्टीमेट बैटल, फ्री फायर प्रो लीग थाईलैंड। इन टूर्नामेंट्स को जितवाने में अपनी टीम को इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और बात करें इनके ई स्पोर्ट्स अर्निंग की, तो ये अभी तक टोटल ई स्पोर्ट्स से $1,42,000 यानी लगभग 1.5 करोड़ रुपए अर्न कर चुके हैं। और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है द क्रूज FF नाम से, जिसपे अभी लगभग 1.8 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। आप जाकर इनके चैनल पर इनके गेम प्ले की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें कि आपको कौन सा गेमर अच्छा लगता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।